वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IIT JEE 2016 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। बेसिकली एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट एंड ईजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं था इस बार एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट व्हेन x इज नॉन जीरो। सो वी हैव गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² 3xy² प्लस n² x² y dx प्लस nx³ प्लस 3x² y dy इज इक्वल टू जीरो। सो फॉर विच वैल्यू ऑफ एन दिस इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। एग्जैक्टनेस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज माई एम टर्म, दिस इज माई एन टर्म। सो अगर एम ऑफ वाई निकालेंगे तो एम ऑफ वाई विल बी 6xy प्लस n² x² is equal to partial derivative of n with respect to x will be 3n x² plus 6xy. So 6xy is 6xy cancel out. I will be having n x² is common. So I will have n - 3 is equal to 0. So from here I will get either n x² is 0 or n - 3 is 0. Since x is non-zero, so and n is non-zero, so this term is non-zero, so this will force this n - 3 is 0, that is n value is 3. So correct option is option D. This question is of 1 mark and this is easy. Question number 2, one of the points which lies on the solution curve of the differential equation y - x dx plus x plus y dy is equal to 0 with the given condition y at 0 is 1. So this is question number 2, y - x dx plus x plus y dy is equal to 0 with the given condition y at 0 is 1. So they are asking which of the following points lies on the solution of this integral, this differential curve. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले चेक करते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। अगर एग्जैक्टनेस चेक करेंगे सो एम वाई और एन एक्स की वैल्यू, एम वाई वैल्यू इज 1 एंड एन एक्स वैल्यू इज 1, सो दिस एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, देन वी कैन से दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट बिकॉज दिस इज द सेटिस्फाइंग द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्टनेस में सॉल्यूशन फाइंड करा जाता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज कॉन्स्टेंट सी, वेयर इन दिस y is constant and in this this term should be free from x. तो जो ये चीज़ है कि आप जब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हो वहां से निकल के आता है अगर आपका इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसको अप्लाई करेंगे। योर m वैल्यूज y - x, कीप y, कीपिंग y इज अ कॉन्स्टेंट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट yx - x² / 2 प्लस एन डी वाई, दिस शुड बी फ्री फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, दिस टर्म विद एक्स, तो अब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वाई टर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। आई विल गेट y² / 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी एंड दिस इज पासिंग थ्रू वाई एट जीरो पर वैल्यू 1, सो दिस इज 1 × 0 - 0 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू सी, सो योर सी वैल्यू इज 1/2। अगर सी वैल्यू 1/2 है सो आई कैन से, सो आई कैन सी this yx minus k x² / 2 plus k y² / 2 is equal to 1/2. One second. This is yx - x² / 2 plus k, यहाँ पे करेंगे y के रिस्पेक्ट में, so I will get y² / 2 is equal to constant c and y at 0 पर वैल्यू 1 गिवन है, so this becomes 0, this becomes 0, दिस बिकम्स 1/2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, तो आप पॉइंट को
पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन सी विल बी सेटिस्फाइड अगर 2.1 इससे पास करेगा, 2.1 को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये पुट करेंगे सो आई विल गेट 2 माइनस के, दिस इज 4/2 दैट इज 2, प्लस के वाई की वैल्यू 1, सो दिस इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो यू कैन वेरीफाई दिस इज सेटिस्फाइंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ये वेरीफाई करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स ऑल्सो, 1 मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d बाई डी एक्स ऑफ x dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 3। सो वी हैव गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कंडीशन y एट 1/0 एंड y डैश एट 1/0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट 0.2। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है एग्जामिनेशन में। अगर आप इसको पहले डेरिवेटिव करोगे तो ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बन जाएगी, बट अगर आप यहीं पे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे तो ये इक्वेशन आपकी 1 ऑर्डर की रह जाएगी, एंड 1 ऑर्डर को हैंडल करना ईजी एज कम्पेयर टू द सेकेंड ऑर्डर। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आई विल गेट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट C1। सिंस वाई डैश एट 1 इज 0, इसको सेटिस्फाई कराएंगे y dash at 1, so this is 1, y dash at 1 is equal to 1/2 plus c1, y dash at 1 is 0, so c1 value will be minus 1/2, so I can say the dy by dx is equal to x/2 minus k 1/2 times x, this is my equation. Now this is first order, first degree linear differential equation, and this is in the variable form, so isko integrate karenge, I will be getting y is equal to x square by 4 minus k 1/2 ln of x, जो ln होता है basically this ln represent the real log। अगर आप लोगों ने complex analysis पढ़ी है तो आपको पता लगेगा कि जो complex log function होता है वो multiple valued होता है, तो उसका जो representation होता है वो log log होता है, and अगर आप ln लिखते हो तो ln represent for real x। यहाँ पे base का कोई effect नहीं है, आप सोच रहे हो कि base 10 या base exponential है, तो this ln represent the रियल लॉग फंक्शन। सिंस y एट 1 पे वैल्यू 0 है तो इसको लिखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 1/4 माइनस के, सॉरी हियर आई शुड हैव रिटन अनदर कांस्टेंट, माइनस के 1/2 ln ऑफ 1 प्लस c2, ln ऑफ 1 इज 0, सो c2 वैल्यू विल बी माइनस के 1/4, सो आई विल गेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4 माइनस के 1/2 ln x माइनस के 1/4। They are asking the value of y at 0.2. So y at 2 पे निकालेंगे, तो y at 2 will be 1 minus k 1/2 ln 2 minus k 1/4, which is same as 3/4 minus k 1/2 ln 2. So correct option will be option B, 3/4 minus k 1/2 ln 2. Option B is correct. This is of 2 marks. क्वेश्चन नंबर 4। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अप्रोचेस 0 एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इफ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इज 0। दे आर सेइंग दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अप्रोचिंग 0 एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इफ। व्हाट इज द कंडीशन ऑन बी एंड सी? देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज 0। अगर आप इसके रूट लिखेंगे तो माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4c अपॉन 2, ये आ जाएगा। एंड इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इसके केसेस बनाते हैं। केस 1, व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 बी 2 रूट्स एंड लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 बोथ आर रियल। अगर ये दोनों रियल हैं तो इस केस में सॉल्यूशन आपका होता है y इज इक्वल टू सी वन ई पावर लैम्डा 1 एक्स प्लस सी टू ई पावर लैम्डा 2 एक्स, एंड दिस बोथ आर रियल नंबर, एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज अप्रोचिंग 0 एज x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो y इज टेंडिंग टू 0
has x is tending to infinity. That means this lambda 1 has to be negative and lambda 2 has to be negative. So this will imply lambda 1 is negative and lambda 2 is negative. Otherwise, ye is condition ko satisfy nahi karenge. Agar lambda 1 negative hai, lambda 2 negative hai. So from here, I can conclude that lambda 1 plus lambda 2, which is the sum of roots, its sum of root is given by minus kb. And lambda 1 into lambda 2, jo product hota hai, that is your c term. So this is your c. Since lambda 1 is negative, lambda 2 is negative, so your c value is positive. Lambda 1 is negative, lambda 2 is negative, so their sum will be negative. So minus kb is negative. This will imply this b is positive. So your b is positive and c is positive if you are in this case. Second case, when lambda 1 is equal to lambda 2 and lambda 1 barabar lambda 2 barabar r. Kyunki repeated root honge to wo hamesha real hi honge, kyunki jo complex root hote hain wo hamesha pair mein milte hain, to wo conjugate pair hote hain. To yahan par lambda 1 lambda 2 agar repeated honge to real milenge. Is case mein jo solution hoga, solution will be c1 plus c2 x e power minus k lambda x. Ye aapka solution hota hai. Agar ye solution hai and this solution is approaching 0 as x is tending to infinity, तो आपको लैम्डा को पॉजिटिव होना पड़ेगा. अदरवाइज सॉरी हियर आई शुड हैव रिटन विद पॉजिटिव साइन. सो दिस इज अप्रोचिंग जीरो एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर ऑब्जर्व करोगे, सो दिस एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस वाई इज टेंडिंग टू जीरो, सो दिस लैम्डा वैल्यू हैज टू बी नेगेटिव. अगर ये लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो ये कभी भी जीरो पर टेंड नहीं करेगा. सो दिस विल फोर्स दिस लैम्डा इज नेगेटिव. सिंस दिस लैम्डा इज नेगेटिव, so lambda square which is c, product of roots, since this is lambda square, so this is positive. Lambda minus, sorry, lambda plus lambda which is 2 lambda, which is sum of roots. Sum of roots is given by minus kb and lambda is negative, so 2 lambda will be negative, so minus kb is negative. This will force this b is positive. So from here I will get both b and c value are positive. Now let us discuss the last case when lambda 1 and lambda 2 are complex numbers. Say lambda 1 is equal to form is of the form alpha plus iota beta, then lambda 2 will be alpha minus iota beta. This is my case 3. Agar is form ka solution hai, so my solution will be e power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Aur hum hamesha real solution निकालना चाहते हैं. तो दिस इज योर रियल सॉल्यूशन एंड दिस इज अप्रोचिंग जीरो एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सिंस दिस इज बाउंडेड, कॉस फंक्शन इज बाउंडेड, साइन फंक्शन इज बाउंडेड एंड दिस वाई इज टेंडिंग टू जीरो एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो दिस अल्फा हैज टू बी नेगेटिव. सो यू कैन कंक्लूड दिस अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव. एंड अगर आपको अल्फा फाइंड करना है तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करिए. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दिस विल गिव यू 2 अल्फा. And 2 alpha is negative, so 2 alpha is negative. And this is nothing but your minus kb. Because sum of roots is given by minus b. So minus b is negative. So from here you will conclude your b is positive. Agar b positive hai, and agar in dono ka product karenge, so you will be getting lambda 1, lambda 2 is equal to alpha square plus beta square, which is c. See, we are assuming lambda 1, lambda 2 are complex conjugate of each other. So either lambda 1 is non-zero, or in this case we have to assume, see, this alpha is non-zero and its beta is also non-zero because this is complex root. I am purely complex because the real case they have discussed. Here I have concluded that this alpha is negative and this beta has to be non-zero. Agar beta zero hua, तो आपका रियल का केस आ जाएगा. बट रियल का केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो लैम्डा 1 लैम्डा 2, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस सी वैल्यू हैज टू बी पॉजिटिव. सो इन ईच केस अल्फ बी इज पॉजिटिव एंड सी इज पॉजिटिव, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. अगर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल कोएफिशिएंट है, तो आप उसको इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 5 इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव. हो सकता है आप एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो. अगर आप इसको स्किप करोगे तो इसकी बजाय आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो.
बट देखते हैं सॉल्व करके. कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन 2x डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस के 2 कॉस एक्स सेटिस्फाइंग y एट पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 माइनस के रूट ऑफ 2. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो आई विल बी गेटिंग y डैश माइनस के 2 अपॉन साइन 2x y इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स अपॉन साइन 2x. सो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड y. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसको सॉल्व करेंगे सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस के 2 अपॉन साइन 2x dx इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन 2 cos x साइन 2x इंटू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2 बाय साइन 2x dx होल dx प्लस सम कॉन्स्टेंट c. सो दिस इज द सॉल्यूशन y. सी अगर आप इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन साइन 2x dx को तो आपके पास आएगा ln ऑफ 10x 1 बाई 2 ln ऑफ 10x बिकॉज इट इज इक्वल टू cos ऑफ सॉरी cosec ऑफ 2x. अगर cosec ऑफ 2x को आप करोगे तो 1 बाई 2 ln ऑफ 10x आ जाएगा. तो आपको बस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा, 2x को u पुट करना पड़ेगा, देन उसके बाद cosec x का आप जानते हो, तो वो यूज करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो. सो आई विल बी गेटिंग यहाँ पे अगर आप माइनस के 1 बाई 2 से माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 से करोगे तो ये माइनस का ln ऑफ 10x बन जाएगा. एंड माइनस में तो 1 अपॉइंट 10x आ जाएगा क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल अवेलेबल है. सो y इंटू e पावर ln ऑफ 10x की पावर माइनस 1. मैं मॉडुलस हटा रहा हूँ बट सॉल्व करने के लिए, बट दिस मॉडुलस इज रिक्वायर्ड क्योंकि ln में आप जब भी लिखोगे तो आपका डोमेन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या नॉन जीरो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एंड जीरो पर भी इवन लॉग डिफाइन नहीं होता. सो दिस मॉड वैल्यू शुड दिस मॉड शुड बी देयर. तो बस मैं यहाँ कैलकुलेशन के लिए मॉड हटा रहा हूँ. तो e की पावर ln ऑफ 10x का इनवर्स जिसको आप लिख सकते हो कॉटेक्स, क्योंकि अगर आप इसको लेके जाओगे तो 1/10x आएगा, 1/10x वैल्यू इज कॉटेक्स. सो योर इंटीग्रेटिंग वेक्टर इज कॉटेक्स. यहाँ से आपके पास आएगा 2 cos x, दिस इज 2 sin x cos x, एंड cortex को लिख दिस वैल्यू इज cortex, cortex को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx प्लस c. सो आई विल बी हैविंग एक cos x से एक cos x कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आई विल हैव फ्रॉम हेयर 2 से 2 चले जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x वन सेकेंड आई विल हैव दिस cos एंड sin विल फॉर्म cortex एंड दिस 1 अपॉन sin विल फॉर्म cosec x dx प्लस c. अगर cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के cortex cosec x आता है, करके देख सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विच इज d by dx ऑफ 1 अपॉन sin x, इसको करेंगे तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को रोका तो 1 का 0, माइनस के 1 को रोकेंगे साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, सो इट विल गिव यू माइनस के कॉट एक्स कॉसेक एक्स. सो दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कॉसेक एक्स. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी, दिस इज योर कॉट एक्स, एंड इस कॉसेक एक्स को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन एक्स. अब चाहे तो पूरे में 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस के 10x अपॉन साइन एक्स प्लस के 10x इंटू सी.
या फिर पहले इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं, वाई एट पाई बाई फोर पे वन माइनस के रूट टू गिवन है। तो अगर आप ये यूज करेंगे, y एट पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन माइनस के रूट टू, तो y एट पाई बाई फोर वन माइनस रूट टू, सो दिस इज वन माइनस के रूट टू, एंड cot पाई बाई फोर की वैल्यू वन, सो दिस इज वन माइनस रूट टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू, सो इट विल बी माइनस के रूट टू प्लस सी, ये हो जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई विल हैव सी वैल्यू इज वन, सी वैल्यू इज वन, सो आई कैन रिमूव सी फ्रॉम हेयर, सो दिस इज माई सोल्यूशन। चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं, सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या अगर एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये सॉल्यूशन अनबाउंडेड बनेगा, जीरो पर जाएगा तो दिस यू कैन फील दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म एंड दिस इज जीरो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं, सो लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस के टेन एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड टेन एक्स को लिख सकते हो आप साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, माइनस के वन अपॉन कॉस एक्स प्लस के टेन एक्स, सो क्लियरली एज एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एज एक्स इज टेंडिंग टू जीरो दिस माइनस के वन अपॉन कॉस एक्स इज गोइंग टू इज गोइंग टू माइनस वन, दिस ओवरऑल टर्म इज गोइंग टू माइनस वन एंड दिस इज गोइंग टू जीरो, सो दिस इज गोइंग टू माइनस वन, सो ऑप्शन ए फॉल्स। ऑप्शन बी, सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, क्या एक्स पाई बाई टू पर जाएगा तो ये सॉल्यूशन अनबाउंडेड बनेगा, चेक करते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, इसको लिख लेते हैं, यहां से टेन एक्स बाहर रखते हैं, माइनस के वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन, तो एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू दिस गोज टू इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस के वन प्लस वन, सो दिस गोज टू जीरो, तो यहां पर इन्फिनिटी इंटू जीरो इस टाइप की फॉर्म आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, एज एक्स टेंड टू पाई बाई टू दिस इज, या फिर एक काम और कर सकते हैं, चलिए यहां से नहीं, इधर से डायरेक्ट बोलते हैं, अगर आप यहां से इसका डेरिवेटिव निकाले पाई बाई टू पॉइंट पर, देखिए कितना आएगा, सो साइन टू इंटू पाई बाई टू, तो ये जीरो बन जाएगा, चलिए यहां से नहीं बोल सकते, इसको चेक करते हैं, एज एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू दिस इज माइनस के वन बाई साइन एक्स प्लस वन एंड दिस इज कॉट एक्स, सो एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू दिस गोज टू जीरो एंड दिस टर्म इज ऑल्सो गोइंग टू जीरो, सो दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, लोपिता रूल यूज कर सकते हैं, चलिए लोपिता रूल को यूज करते हैं, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे, सो आई विल बी गेटिंग माइनस के वन बाई साइन एक्स, दैट इज माइनस के कॉसेक एक्स, माइनस के कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस के वन, इसका जीरो हो जाएगा, कॉट एक्स का करेंगे तो कॉट एक्स का कर लेते हैं यहां पर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स इज कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स, सो आई विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को रोकेंगे तो कॉस एक्स का करेंगे, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स को रोका, साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स, सो आई विल बी गेटिंग वन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, आई थिंक आई एम कमिटिंग सम मिस्टेक, दोबारा करते हैं इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, अगर कॉट एक्स को करेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स को करा सो कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के
cos square x, which is minus of cos x square x. Now I am correct. So this will give me minus of cos x square x. ये मिलेगा एक cos x square x, एक cos x, एक cos x कट जाएगा. So I will be having cot x upon minus के cos x. So it will give me limit as x is tending to pi by 2. It will give me cot x values. Cos x upon sin x and this minus k cos x is minus k 1 upon sin x. So it will give me minus of cos x. Sorry, minus of cos x. As x is tending to pi by 2, this value is nothing but your zero value. So this solution is approaching zero as x is tending to pi by 2. अब यहाँ से भी फील कर सकते हैं. यहाँ से आपके पास है 2y is equal to sin 2x y dash minus k 2 cos x. तो अगर आप पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू निकालेंगे सो दिस विल गो टू साइन पाई इज जीरो सो दिस टर्म विल गेट वैनिश. दिस इज टू कॉस एक्स. यहाँ पर पाई बाई टू पर कॉस की वैल्यू जीरो सो दिस इज जीरो दिस इज जीरो योर वाई इज वैल्यू जीरो. तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी एंड डी विल बी करेक्ट. बाउंडेड वेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो बाउंडेड वेन एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू. सो दिस वन इज द मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं है या आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बनाओगे तो इट विल टेक टाइम. ये सिर्फ टाइम लेगा और कुछ भी नहीं. अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हैं. अगर आपने जेई वगैरह की प्रिपरेशन करी है तो आपको सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एज इट इज से याद होंगे तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड इन द रॉन्स्कियन. जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कभी भी पूरे सॉल्व नहीं करने हैं. लेट y1, y2, y3 बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y3 माइनस 6y डबल डैश प्लस 11y डैश माइनस की 6y इज इक्वल टू जीरो. इफ द रॉन्स्कियन इज ऑफ द फॉर्म k e पावर bx एक्स फॉर सम कॉन्स्टेंट k देन द वैल्यू ऑफ b. तो अगर आप पे y1, y2, y3 फाइंड करोगे तो कम से कम आपके 6-7 मिनट लग जाएंगे. कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है. अगर आपने एबल्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 y3 इज गिवन बाय सम c टाइम ई पावर इंटीग्रेशन माइनस के कांस्टेंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज माइनस 6 क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पर 3 ऑर्डर का है एंड सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 ऑर्डर का है. तो माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज माइनस 6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव विच इज 1 dx. सो दिस इज द रॉन्स्कियन एंड दिस इज कॉल्ड द एबल्स फॉर्मूला. दिस यू कैन अप्लाई इन द n ऑर्डर क्वेश्चन ऑल्सो. अगर आपके पास y1 y2 yn सॉल्यूशन है तब भी आप ये लिख सकते हैं c टाइम e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपॉन कॉन्स्टेंट ऑफ लार्जेस्ट डेरिवेटिव. सो यू विल गेट c e पावर दिस इज 6 dx दैट इज 6x. अगर आप कंपेयर करोगे तो योर b वैल्यू 6 तो इसका आंसर भी 6 है. क्वेश्चन नंबर 7. लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन देन yx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू. सॉल्व करते हैं. वी हैव गिवन सिंस y डबल डैश प्लस के 5y डैश प्लस के 6y इज जीरो एंड सेटिस्फाइंग y एट जीरो पर वैल्यू 1 y डैश एट जीरो पर वैल्यू माइनस 1. आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है. आप डायरेक्टली यहाँ से अगर देखना चाहें यहाँ से डायरेक्टली नहीं देख सकते. अगर विजुलाइज करते हैं एक बार यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो पर वैनिश नहीं हो रहा. अगर डेरिवेटिव जीरो पर वैनिश हो रहा होता तो हम ये बोल सकते कि जीरो जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है. तो वो चीज़ कभी भी नहीं बोल सकते. चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं. इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस के 5m प्लस के 6 इज जीरो. रूट कर सकते हैं फैक्टराइज करेंगे सो 3 2. तो आपके पास रूट आएंगे माइनस 2 माइनस 3 तो योर जनरल सॉल्यूशन विल बी c1 e पावर माइनस 2x माइनस 3x प्लस c2 e पावर माइनस के 2x. सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. इनिशियल कंडीशन इम्पोज करेंगे तो आई विल गेट द कॉन्स्टेंट्स
y एट जीरो पर वैल्यू 1 है, सो c1 वन प्लस सी टू इज 1। इसको डेरिवेटिव करेंगे देन उसके बाद जीरो पुट करते हैं, तो y डैश एट 0 इज माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 3 c1 वन e की पावर माइनस के 3x, वो 0 हो जाएगा तो माइनस के 3 c1, एंड इधर को डेरिवेट करेंगे सो आई विल बी गेटिंग माइनस के 2 टाइम्स c2, दिस वैल्यू इज माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, c1 वन प्लस सी टू इज 1 एंड 3 c1 वन प्लस 2 c2 इज 1। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज 2, दिस इज 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग c1 वन वैल्यू इज 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 c1 वन माइनस के 2 c1 वन दैट इज c1, इट इज 0, तो c1 वन वैल्यू इज 0, सो माय c2 वैल्यू विल बी 1 बाई 2। सो माय सॉल्यूशन विल लुक लाइक e पावर माइनस के 2x अपॉन 2, दिस इज माय सॉल्यूशन। आप शायद उसका ग्राफ भी बना सकते हैं तो आप इसको ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, देखिए एक्सपोनेंशियल का आपको ग्राफ पता है, आप कोई भी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। सो आई एम ड्रॉइंग हियर, अगर आप जीरो पर वैल्यू निकालेंगे तो जीरो पर वैल्यू 1 है, से यहां पर इसका ग्राफ यहां कहीं अवेलेबल है, 1 सेकेंड, दिस सॉल्यूशन इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, सो आई थिंक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक, क्योंकि अगर आपकी c2 वैल्यू 1 बाई 2 है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा e पावर माइनस 2x अपॉन 2, बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। y एट 0 पर एक बार दोबारा वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस के 5y डैश प्लस के 6y इज 0, y एट 0 पर वैल्यू 1, y डैश एट 0 पर वैल्यू माइनस 1, देन yx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एज एट x, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं सो माय ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m स्क्वायर प्लस के 5m प्लस के 6y इज 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो m3 m2, सो m प्लस 3 m प्लस 2, तो रूट आएंगे आपके पास माइनस 2 एंड माइनस के 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 3 इंटू 2 6 प्लस 3 m प्लस 2 m विल गिव यू 5m, तो रूट्स आएंगे माइनस 3 माइनस 2, तो योर जनरल सॉल्यूशन विल लुक लाइक c1 e पावर माइनस 3x प्लस c2 e पावर माइनस के 2x, एंड दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इसको डेरिवेट कर लेते हैं एक बार, वाई डैश करेंगे तो माइनस के 3 c1 e पावर माइनस के 3x माइनस 2 टाइम c2 e पावर माइनस 2x, y एट 0 पर वैल्यू गिव 1 है तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करेंगे e पावर 0 इज 1, सो c1 प्लस c2 इज 1, एंड y डैश एट, हाँ जो मैंने उसको यहाँ पर सॉल्व करा था उसमें मिस्टेक थी, तो आपकी जो सी वन वैल्यू है वो 0, सी टू वैल्यू 1 हो जाएगी, सो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 3 सी वन माइनस के 2 सी वन, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा था, दिस इज 2 दिस इज 2, अब एडअप कीजिए तो 1 इज इक्वल टू माइनस के सी वन ये मिलेगा आपको, सॉरी दिस वैल्यू इज सी टू, सी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, योर सी वन वैल्यू विल बी माइनस 1 एंड सी टू वैल्यू विल बी, सी टू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, आपके पास था 1 इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, तो अगर आप सी वन को माइनस 1 पुट करेंगे तो सी टू वैल्यू विल बी 2, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 3x प्लस 2 ई पावर माइनस 2x, वाई जीरो पर अब आपको दिस विल गिव यू 1, दिस विल गिव यू सॉरी दिस विल गिव यू माइनस 1, दिस विल गिव यू 2, सो इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो आपका y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव देखते हैं कहाँ कहाँ पर वैनिश हो रहा है, डायरेक्टली इसको विजुलाइज नहीं कर सकते,
क्योंकि इसका ग्राफ इजीली नहीं बनेगा. इसको डेरिवेट करते हैं, तो y डैश करेंगे सो आई विल हैव, आपके पास डेरिवेटिव अवेलेबल है, यहाँ पर आप c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए. c1 वैल्यू इज माइनस वन, सो दिस इज 3 e पावर माइनस 3x माइनस 2 टाइम्स c2, c2 वैल्यू इज 2, सो माइनस के 4 e पावर माइनस 2x, दिस इज 0, दैट इज 3 e पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 4 e पावर माइनस 2x. आई विल हैव दिस वन e पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर e पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे या e पावर 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 इज इक्वल टू 4 e पावर x. आई विल हैव दिस वन, इसको सॉल्व करेंगे सो आई विल बी गेटिंग 3 बाई 4 ln 3 बाई 4 इज इक्वल टू x. तो ये आपका ln 3 बाई 4 पर वैनिश होगा. ठीक है, अब जी चेक करते हैं कि ln 3 बाई 4 जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का है. अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता क्योंकि उसके लिए मेरे को ln 3 बाई 4 की वैल्यू चाहिए. बट कोई नहीं, मैं इसको डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकता हूँ. आई हैव द डबल डेरिवेटिव, सो डबल डेरिवेटिव 5 डबल डैश इज y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस के 5 वाई डैश माइनस के 6 ऑफ y. सो दिस इज माइनस के 5 वाई डैश की वैल्यू माइनस e पावर माइनस के 3x प्लस के 2 e पावर माइनस के 2x माइनस के 6 ऑफ y. तो आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना है एट पॉइंट ln 3 बाई 4. ln 3 बाई 4 पर इसका जो डेरिवेटिव है वो वैनिश हो रहा है, तो ये टर्म इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा. आपके पास आएगा y डबल डैश इज एट पॉइंट ln 3 बाई 4, तो दिस इज माइनस के 6y एट पॉइंट ln 3 बाई 4. तो अब ln 3 बाई 4 पर इस y की वैल्यू निकालना. आपके पास y अवेलेबल है, इसकी ln 3 बाई 4 पर वैल्यू निकालना, दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव. अगर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होता है तो योर सॉल्यूशन अटेन्स मैक्सिमम. तो जो आपका सॉल्यूशन है वो ln 3 बाई 4 पर मैक्सिमा अटेन करेगा. तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आप लोग वेरीफाई कर लेना. अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ln 3 बाई 4 की वैल्यू होती है माइनस के 0.3 से लेकर के माइनस के 0.25 के बीच में. तो योर जो करेक्ट आंसर होगा माइनस के 0.32 माइनस ऑफ 0.25 इनके इन बिटवीन, क्योंकि log 1 0 होता है, log 1 से पहले नेगेटिव रहता है, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव. तो अब बस ये वेरीफाई कर लेना कि y डबल डैश एट ln 3 बाई 4 पर नेगेटिव वैल्यू अज्यूम कर रहा है. तो वहां से आप क्लेम कर सकते हो द वाइफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट ln 3 बाई 4. सो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू व्हाट्सअप मी ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन सीरीज.